माई चैनल इंडियन यूट्यूबर मॉम नवनीत। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने नहा लिया है और आज किया है मैंने अपना हेड वॉश, क्योंकि आज फ्रेंड्स आज है तुलसी एकादशी और ग्यास कह लीजिए, चाहे तुलसी विवाह कह लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हमारे यहाँ तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग एवरी ईयर ग्यास किस तरीके से पूजते हैं, तुलसी जी की जो पूजा है वो हम लोग कैसे करते हैं। वैसे तो सबके यहाँ अपने अपने रिवाज होते हैं, अपने अपने पूजा पाठ करने के तौर तरीके होते हैं, तो हम लोगों क्या किस तरीके से किया जाता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे फ्रेंड्स, मैं एकादशी का व्रत तो नहीं रखती हूँ, मगर मैं तुलसी जी पे मैं डेली दिया ज़रूर जलाती हूँ और तुलसी जी की पूजा ज़रूर करती हूँ। सो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग हर साल ये जो पूजा है ये किस तरीके से करते हैं। तो चलिए, अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, तो अभी मैंने नहा लिया है और पूजा की थाली मैंने तैयार कर दी है, जो जो सामान मुझे पूजा में चढ़ाना है वो सब प्रिपरेशंस मैंने कर ली हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की पूजा। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो यहाँ मैंने पूजा में जो चढ़ाऊंगी वो सब भी मैंने प्लेट में तैयार करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ चावल के जो मिश्रण है, यानी कि कच्चे चावल को मैंने भिगो लिया था और भिगो करके उसको मैंने पीस लिया है बारीक। तो उससे जो है मैं तुलसी जी का मंत्र लिख रही हूँ, जो कि उनकी आरती का ही फर्स्ट पैरा है, जो कि है तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो फ्रेंड्स, इसको जो है इस मंत्र को यहाँ पर लिखा जाता है, तो उसी को मैं कच्चे चावल के जो मिश्रण मैंने तैयार किया है उसे लिख रही हूँ, तो इसको शुभ माना जाता है। और फ्रेंड्स, मैं हर पूजा पाठ उसी तरीके से करने की कोशिश करती हूँ जैसा कि मेरे इन लॉज के यहाँ किया जाता है। तो यहाँ मैं फर्श को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और आप देख सकते हैं कि सामने मेरा तुलसी जी का पौधा भी रखा हुआ है, तो उनके सामने मैं लिख रही हूँ तुलसी आरती की ये फर्स्ट लाइन। तो फ्रेंड्स, मंत्र मैंने लिख लिया है, अब बारी आती है मौली बांधने की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं तुलसी जी के गमले के ऊपर मौली बांध रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं तुलसी जी के पौधे पर मौली बांधूंगी और उसके बाद में फ्रेंड्स फिर मैं स्टार्ट करूँगी आज की पूजा। सो फ्रेंड्स, तुलसी जी को मौली बांधने के बाद में अब मैं तुलसी जी के ऊपर चुनरी चढ़ा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के दिन हमारे यहाँ तुलसी जी के ऊपर नई चुनरी चढ़ाई जाती है, तो इससे पहले भी फ्रेंड्स मैंने इनके ऊपर चुनरी डाली हुई थी, मगर आज के दिन जो है मैं इनके लिए नई चुनरी लेके आई हूँ और वो मैंने वृक्ष पौधे पर डाल दी है। और फ्रेंड्स, साथ ही तुलसी जी के गमले में इस तरीके की लाल कपड़े की झंडी भी लगाई जाती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये चार छोटी छोटी झंडियाँ लगाई जाती हैं गमले में, मगर मैं एक ही करके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी मार्केट में जो है छोटे वाली झंडी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जस्ट एक बड़ी वाली झंडी ले ली है और वो मैंने तुलसी जी के गमले में लगा दी है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की पूजा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दीप जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी और उसके बाद में फिर मैं करूँगी तुलसी जी की आरती। और फ्रेंड्स, तुलसी जी की आरती करने से पहले मैं रोली के स्वास्तिक भी बना रही हूँ, तो मैं जिस आरती की थाली में आरती करूँगी उसमें भी मैंने स्वास्तिक बना लिया है और मैं एक स्वास्तिक मैं तुलसी जी के सामने भी बना रही हूँ फर्श पर।
फ्रेंड्स, अभी मैं जला रही हूँ दीपक और साथ में फ्रेंड्स मैं धूपबत्ती भी जलाऊंगी और उसके बाद में फिर मैं स्टार्ट करूंगी अपनी पूजा। सो फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ रही हूँ तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी, करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दी। सो फ्रेंड्स, आरती मैंने कर ली है, अब मैं तुलसी जी को अर्पित कर रही हूँ पुष्प। और फ्रेंड्स, साथ में मैं तुलसी जी को जो है, मैंने ये जो भोग की थाली ली थी जिसमें कि मैंने रखे हुए हैं खिचड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स गैस पे खिचड़ी ज़रूर पूजी जाती है, और उसमें मैंने दक्षिणा रखी हुई है। साथ ही फ्रेंड्स मैंने प्लेट में रखे हैं चार फल और मिठाई। तो फ्रेंड्स, ये थाली का भोग भी मैंने तुलसी जी को लगा लिया है और आरती भी कर ली है। सो फ्रेंड्स, इस थाली में इस तरीके से सामान रखा जाता है, पूजा जाता है, उसके बाद में फ्रेंड्स इसको दान कर दिया जाता है। तो यहाँ मेरी तुलसी जी की पूजा जो है वो अच्छे से हो गई है। सो फ्रेंड्स, हम लोग तो हर साल इसी तरीके से तुलसी जी की पूजा करते हैं। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा मेरी ये छोटी सी पूजा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा के बाद में मैंने तुलसी जी को जल भी। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है, तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी क्योंकि अभी मॉर्निंग से मैंने कुछ खाया नहीं है, जस्ट मैंने सुबह की मॉर्निंग टी ली थी। और फ्रेंड्स, मेरा लंच जो है वो मैंने ऑलरेडी सुबह मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि आशु जो है वो अपने साथ में ऑफिस लंच लेके जाते हैं, प्रॉपर लंच, तो उनके लंच के लिए मैंने प्रिपेयर कर ली थी सुबह में अरहर की दाल और चावल। तो वो हम लोग भी आज लंच में वही खाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आशु मॉर्निंग में अपना टिफिन लेके जाते हैं, तो मेरा जो लंच है वो सुबह में ही लंच का काम जो है वो फिनिश हो जाता है, तो मुझे दोपहर में जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मगर सुबह में थोड़ा सा मुझे हड़बड़ाहट रहती है, क्योंकि सुबह में काफ़ी सारे काम करने होते हैं, एमी नोनो स्कूल जाते हैं, उनको भी तैयार करना है, फिर आशु का लंच तैयार करना है। मगर ये जो लंच की टेंशन है ना दोपहर वाली, तो ये मेरी मॉर्निंग में ही सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि आशु के लिए लंच तो बनता ही है, तो हम लोगों को दोपहर में टेंशन फ्री मैं रहती हूँ, तो और बाकी सारे काम हो जाते हैं। सो अभी मैं जो है मैं जाके पीऊंगी कॉफ़ी, अभी लंच नहीं करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ जस्ट एमी को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल का भी टाइम होने वाला है। तो जैसे मैं उसको स्कूल से लेके आऊंगी, फिर मैं और एमी दोनों मिलकर बैठकर खाएंगे लंच, तो अभी तो मैं कॉफ़ी पीऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो छोटू सा वीडियो है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। सो आई होप कि मेरा ये जो छोटा सा पूजा वीडियो है आप लोग को अच्छा लगे। और फ्रेंड्स, अगर आज का मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।